हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दही फिश बनाएंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम रेहू फिश लिया हुआ है। इसको मैंने 2-3 टाइम अच्छे से वॉश किया, 2 टाइम ठंडे पानी से, और लास्ट में मैंने इसमें वार्म वाटर में 1 स्पून सॉल्ट ऐड करके अच्छे से वॉश करके रेडी करके मैरिनेट करके रखा हुआ है। नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखा हुआ। अब हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में। गैस ऑन कर दिया मैंने, तेल गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। अब जो हमें नमक हल्दी से मैरिनेटेड फिश है, हम उसको दोनों ही तरफ से लाइट ब्राउन करके फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम फिश फ्राई कर लेंगे। जब तक फिश फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाले में हम 1 मीडियम साइज का, मैंने अनियन को मोटे मोटे पीसेस में कट किया हुआ है क्योंकि हम ब्लेंड करेंगे। 3-4 हम मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया हुआ है। आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्च ऐड करें। यहाँ हमने थोड़े से काजू लिया हुआ है, छोटे बाउल का 1 बाउल, ये भी हम ऐड करेंगे। लहसुन की कली मैंने 4-5 कली लिया हुआ क्योंकि मेरे कली बड़े बड़े हैं। अगर आपके छोटे छोटे हैं तो आप 10-12 ले लेना। 1 इंच का एक अदरक इसमें हम ऐड करेंगे कट करके। जीरा धनिया पाउडर है, वो भी हम साथ में ही ब्लेंड कर लेंगे। काजू को हम हल्का खोल के ऐड करेंगे इसमें। फिश को हम पलट देंगे, ये इस साइड से ब्राउन हो गया है। फिश दोनों साइड से ब्राउन हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। तेल गर्म ही है, हम इसी तेल को यूज कर लेंगे कुकिंग के लिए। और ऑयल हमें जितना चाहिए उतना ही है, एक्स्ट्रा भी नहीं है। अब हम इसमें हमने 2 दालचीनी और 2 हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोल के हम हरी इलायची को ऐड करेंगे इसमें। 1 लाल मिर्च साबुत वो ऐड करेंगे, 1 लौंग और थोड़ा सा जीरा। मसालों का कलर चेंज हो गया है, जो हमने अभी खड़ा मसाला ऐड किया था। अब हम इसमें हमने जो ये मसाला पेस्ट किया है, प्याज लहसुन अदरक काजू डाल के जो हमने पेस्ट तैयार किया था, अब हम इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले में हम हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर। तो तेज पत्ता ऐड करेंगे मसाले में। थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रेवी हमारा थोड़ा सा मीडियम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। हम दही फिश बना रहे हैं इसलिए हम शुगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। जब तक ये मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो हम चूँकि दही फिश बना रहे हैं तो हम इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर 3-4 टीस्पून कर्ड लिया हुआ है, इसको हम मिक्सर जार में 1 ग्लास वाटर के साथ इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया, अब देखिए कितना अच्छे से ये
ऑयली हो गया है, कढ़ाई में भी लगा हुआ नहीं है, इससे पता चल रहा है मसाला अच्छे से भून गया है, पक गया है। अब हम इसमें, हमने कर्ड और पानी का एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दिया है मैंने, ये थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी ही फिश बनेगा। इसको अब हम बॉईल आने देंगे, 5-7 मिनट तक इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें फिश ऐड करेंगे। अब हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। फिश ऐड करके लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। हम चेक करेंगे, कितना अच्छा कलर आया है। अब देखिए ग्रेवी भी हमारा, इसकी थिकनेस भी सही है। अब हमारा दही फिश बनके रेडी हो गया। हम गैस ऑफ कर देंगे और सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। बंगाली स्टाइल दोई माछ बन गया है, ये खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। इस तरह से दोई माछ बनाकर आप वाइट राइस के साथ खाएं या मिष्टी पुलाव के साथ खाएं। मिष्टी पुलाव की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल में है। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है मिष्टी पुलाव के साथ, आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये बंगाली दोई माछ की रेसिपी। और अगर आपको फ़िश की कोई और बंगाली रेसिपी देखनी है तो आप वो भी कमेंट करें, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।